गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। की हाल है आप लोग के, कैसे हो आप लोग? फिर से नई वीडियो में, और इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है। मैं जा रहा हूँ पहले तो अपना पेट भराने, मतलब अपनी बघीरा का पेट भराने। बढ़िया अंकल, हाँ ठीक है। सो गाइज, आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो अगर जो भी नए अभी तक हो ना चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दो जाके। बार बार बोलता हूँ भाई, आते ही तो सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो और लाइक कर दिया करो। कमेंट आपकी मर्जी है, बस कमेंट में इतना बता दिया करो आप कि आप हो कहाँ से। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि बाइक को ड्रैग रेस के, जब मतलब सिंपली जब ड्रैग रेस होती है तो आप बाइक कैसे लॉन्च करो, ठीक है, ताकि आप सबसे पहले निकल जाओ आगे। और बहुत सारे लोग ड्रैग रेस में लॉन्चिंग में ही दिक्कत करते हैं। अगर लॉन्च आपकी बाइक सही नहीं हुई है तो, अगर आपकी बाइक में 2-3 PS पावर ज़्यादा भी है ना, तो आपको टॉप एंड पे खींचनी पड़ेगी, तभी आप जाके आगे निकल पाओगे, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि तब तक अगर दूसरा वाला खींच ले गया तो आप पीछे रह जाओगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ड्रैग रेस में कि आप अपनी बाइक को लॉन्च कैसे करते हो। खुद बता दूं मैं कि जो मेरी पहली ड्रैग रेस वीडियो थी उसमें मैं खुद सही से लॉन्च नहीं कर पाया था। सो इस वजह से मुझे जब पीछे होना चाहिए था उससे 5-6 मिनट पहले पीछे हो गया था मैं, क्योंकि मेरे जो अपोनेंट था वो लॉन्च कर रही गया। सो इस वजह से मैं पीछे रह गया। अगर आप लॉन्च नहीं कर पाए और लॉन्च में हट दिए तो भाई आगे तो मैच तो गया है ना। जैसे मैच होता है तो ओपनिंग अगर सही नहीं हुई तो भाई सारा और सारा जितना भी दमखम होता है वो मिडफील्ड, मिड बैट्समैन और जो बॉटम बैट्समैन होते हैं उन पे पड़ जाता है। बाइक हमेशा फर्स्ट गियर पे लॉन्च करना, जब भी करना, मतलब उन बाइक्स की बात कर रहा हूँ। जैसे ये हो गई मेरे हाथ में अभी बघीरा N160 है, मैं इसका नाम बघीरा रखा हूँ। सो ये N160 अभी मेरे हाथ में है, 160 सीसी बाइक है, NS 160 हो गई, 200 सीसी तक हो गई, अपाचे RTR 200 हो गई, ऐसे मतलब 250, 300, 400 सीसी, 490 सीसी, ड्यूक, KTM। सो ये सब बाइक्स ना पहले गियर पे लॉन्च करो, ज़्यादा बढ़िया, उड़ जाएंगे आराम से, भाग जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि भाई फर्स्ट गियर की रेंज बहुत ज़्यादा होती है इन लोग की एज़ कम्पेयर टू द जो पुरानी बाइक्स आती थी, हीरो होंडा वगैरह जो मिला के बनाती थी, पैशन स्प्लेंडर इन सब से, तो उन सब में क्या, उन सब की तो ड्रैग होती ही नहीं है। सो इनकी जो होती है ना, इनमें बढ़िया लॉन्च करना पड़ता है, तो फर्स्ट गियर पे ज़्यादा कंफर्टेबल लॉन्च रहती है। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। अब देखो मैंने यहाँ पे पहले गियर में डाल दिया है, ठीक है, सामने ट्रैक दिख रहा है खाली, कोई नहीं है आगे पीछे। ये देखो फर्स्ट गियर पड़ा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट गियर, ओके। आरपीएम देखो पहले इसका मैक्स आरपीएम, देन उसके बाद अपना जो क्लच है उसको दो उंगलियों में पकड़ना, जैसे दो उंगलियां हो गई ये, ठीक है, दो उंगलियों से पकड़ना क्लच, और ध्यान रहे कि भाई व्हीली ना मार देना, ठीक है। ये लॉन्च देखा आपने, तुरंत गाड़ी 38 पे पहुंच गई, थोड़ी सी आगे से उठी थी बट इतना आप कंट्रोल कर ले जाओगे। बस जो भाई ज़्यादा ही बिगनर हो ना, जो अभी तक पहली बार चला रहे हो, वो मत ऐसे ट्राई करना क्योंकि आपसे उड़ जाएगी। देखा लॉन्च, और हमेशा कोशिश करना कि आप उस पर बाइक पे लीन हो जाओ। लीन कहने का इन द सेंस मतलब है टैंक पे लेट जाओ, बाइक आपके उठने के चांसेस कम रहेंगे। ऐसे जैसे नॉर्मली आपकी बाइक चल रही है, ठीक है,
और फर्स्ट गियर में ज़्यादा पावर होती है, ये आपको बाइक को उठा देगी, एक पंच देती है पावर थ्रो। ब्रेक, फर्स्ट गियर हाई आरपीएम, बाइक उठ जाती है। फर्स्ट गियर हाई आरपीएम, बस ऐसे उठानी है, और जब तक दूसरे तीसरे चौथे गियर का टॉप एंड ना आ जाए तब तक गियर मत चेंज करना। फोर्थ गियर का टॉप एंड आ गया था 107 पे, ठीक है, सो 107 पे आपने फिर पांचवा गियर लगाना है। देखो गाइस, देखा आपने अभी जब फर्स्ट गियर का टॉप एंड लगा 38 पे गियर चेंज किया, सेकंड गियर का टॉप एंड लगा 68 पे तो गियर चेंज किया, थर्ड गियर का टॉप एंड लगा 86 पे आई थिंक सो गियर चेंज किया, चौथे गियर का टॉप एंड लगा 107 पे तब गियर चेंज किया, और पांचवे गियर का टॉप एंड नहीं लगा क्योंकि छठा गियर है नहीं। पहले गियर पे थी तो कूद गई, जंप कर गई, सो भाई लोग आपने जैसे अभी देखा ना कि फर्स्ट गियर पे लगाया, और जो क्लच होता है इसको आपको दिखाता हूँ। क्लच जो होता है, क्लच को दो उंगलियों से पकड़ते हैं, ये दो उंगलियां जो हमारी होती हैं फर्स्ट, ये इससे क्लच पकड़ते हैं, ठीक है। क्लच को आसानी होती है फिर छोड़ने पे, और फिर जो हमारा एक्सीलेटर होता है उसे हम फुल आरपीएम करते हैं। फुल आरपीएम आपको दिखाया मैंने, 9000 प्लस आरपीएम जाती है, उतने पे आपको जैसे 3 ऑन आया उतने पे आपको तुरंत लॉन्च कर देना होता है। ऐसे ये है 3, वैसे फुल वो है, ठीक है, 1 2 3 आपको ये खट से लॉन्च कर दिया आपने, ये आपका लॉन्च हो गया ऐसे, फिर आप निकलोगे एकदम रॉकेट की तरह। तो भाई लोग मैंने आपको बताया आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, और लेकिन यार एक बात और बता दूं कि जो बिल्कुल ही नए हो ना वो मत ऐसे करना, क्योंकि ऐसे कंट्रोल वही लोग कर सकते हो जो थोड़े से पुराने हो, बस थोड़े से भाई, जिनको बाइक की नॉलेज है वो कर सकते हो, बाकी जो बिल्कुल नए हो ना यार वो मत करना प्लीज़, बहुत जोखिम भरा काम है, क्योंकि अगला टायर उठा तो अगर आपका बैलेंस गया तो आप इधर उधर जाओगे, तो इस वजह से मत करना, ठीक है। छोटे बच्चे तो बिल्कुल नहीं, 18 के नीचे तो भाई लाइसेंस बनता नहीं है, तो इसलिए बाइक मत छूना, 18 के नीचे तो नहीं करोगे तुम लोग बिल्कुल भी, वो लोग अभी जब 18 के हो जाओ तब जाके लाइसेंस बनवाओ यार, तब जाके कुछ करो, समझे भाई। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, यूट्यूब इज़ अ गुड करियर, अगर आपको इंटरेस्ट है बाइकिंग में तो कर सकते हो, बस 18 के बाद, क्योंकि लाइसेंस बन जाता है और घर मतलब बालिग हो जाते हो एक तरह से। आपको एक बार फिर से परफेक्ट लॉन्च करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी और आपको भी ड्रैग रेस करनी है, समझ लो आपका अपोनेंट राइट हैंड साइड में है, ओके। सो आप पहली बात तो दोनों पैर नीचे, और ये पूरी लीन पोजीशन, टैंक पे लीन हो जाओ, जैसे मेरा मीटर बिल्कुल दिख रहा है टैंक पे लीन, भाई एक झटका लगेगा और सीधे आप लॉन्च रहोगे। ऐसे क्या होता है कि आपको बाइक उठने का खतरा नहीं होता है कि आगे से बाइक उठेगी, ऐसा नहीं होता है, आपकी व्हील ही नहीं पड़ेगी,
और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो आप एक ट्रिक और है उसको करो, ठीक है, दोनों तरफ पैर, ताकि एक तरफ पैर ऊपर एक तरफ पैर नीचे, ऐसे मत करना क्योंकि बैलेंस डगमगा जाता है, बैलेंस बराबर होना चाहिए बाइक पे और आरपीएम फुल, लेकिन भाई एकदम एक्टिव पोजीशन में बैठना, ओके, आप तीन बिल्कुल एक्टिव पोजीशन में, और हैंडल की ग्रिप आपको एकदम परफेक्ट पकड़ लेनी है कि छूटे ना, और ये देखो जैसे आपका हुआ, ये लॉन्च ठीक था बट बेस्ट नहीं था क्योंकि दूसरे गियर में था, पहले गियर में करते हैं भाई, इसमें आपकी बाइक उठ जाती है, सो आप थोड़ा सोच समझ के ट्राई करना, ठीक है, और वैसे जो ड्रैग कर रहे हो उन लोगों को पता ही होगा यार, मैं भाई आपकी बाइक में वैसे मस्त आवाज आती है और भन्नाटेदार भागती है, मजा आ जाती है। क्लच पकड़ा आपने, क्लच हल्का, क्लच पूरा क्लच मत लेना, हल्का क्लच, और जब फर्स्ट गियर का टॉप एंड आया तो आपने गियर चेंज किया, सेकंड गियर का टॉप एंड आया गियर चेंज करना है वरना हार जाओगे बेटा, थर्ड गियर का गियर टॉप एंड आया तो गियर चेंज करना है, थर्ड गियर का 86 85 गियर चेंज, फिर आप निकलते चले जाओगे, बस फिर आप रेस जीत जाओगे भाई। देखो रेस जीतना और ड्रैग रेस में परफॉर्म करना, मतलब बेस्ट परफॉर्म करना अपना, ये सब बाइक के हाथ में तो होता ही है कि आपकी बाइक कैसी, ये तो देखा ही जाता है, बाकी आपकी भी राइडिंग स्किल्स देखी जाती हैं। और भाई अगर मेरी राइडिंग स्किल्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं दे दूंगा, ऐसे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो जाके उस पर भी भाई आप मेरे को फॉलो कर लेना फटाक से, क्योंकि उस पर भी रील्स वगैरह आती रहती हैं राइडिंग से रिलेटेड, सो दोस्तों भी कहीं आपकी रील्स छूट उट ना जाए, तो इस वजह से भाई जाके वहाँ पे भी अपने भाई को फॉलो कर लेना, यूट्यूबर यश व्लॉग्स वहाँ पे भी इसी नाम से है और यूट्यूब पे भी इसी नाम से, सो फुल सपोर्ट चाहिए भाई लोग का, फिर हल्ला मचाएंगे गाइस। एक चीज़ के लिए आप लोग को मुझे थैंक यू बोलना था कि जो हीटिंग इशू वाली मेरी वीडियो मैंने बनाई थी ना आप लोग के लिए, उसको आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया है, 1K+ चली गई है, सो थैंक यू गाइस फॉर दिस, और ऐसे होप करता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो को भी इतना ही प्यार दोगे, और इस ड्रैग रेस हाउ टू लॉन्च योर बाइक, अपनी बाइक को कैसे लॉन्च करो परफेक्टली, ये भी इस वीडियो को भी आप बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, जय जय श्री राम। तो यार मैं आपको याद आ गया, मेरे को जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो और जब भी आप थोड़े से नए भी हो, ठीक है, और अगर पुराने भी हो यार, अगर रोड पे भी तुम रेस कर रहे हो ना, और अगर कुछ भी कर रहे हो बाइक के साथ, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने देखा यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, बहुत भयंकर एक्सीडेंट, आदमी का सर खुल गया था, शायद सुजुकी की कोई गाड़ी थी, मारुति सुजुकी, उसी में लड़ा था, सो भाई गाड़ी का कोई चक्कर नहीं है, उसने शायद हेलमेट नहीं पहन रखा था, और अभी ये लाइव प्रूव है भाई, अभी दिखाया मैं नहीं आपको, मेरा कैमरा बंद था, जब भी भाई कुछ भी करो ना तो हेलमेट ज़रूर पहन लो, और बाकी अगर आपके पास सेफ्टी गेयर्स है तो वो भी पहन लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हेलमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी आपका सर खुल सकता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए भाई हेलमेट जरूर पहन लेना। मैं भी पहले नहीं पहनता था, सच बता रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं चलाता ही नहीं था, सो अब पहनता हूँ, क्योंकि एक तो वीडियोस बनानी होती हैं, दूसरी और सबसे पहली बात तो भाई बाइक चलती है तेज तो सेफ्टी बहुत जरूरी है, ठीक है, और हेलमेट ऐसे 50-60 रुपए वाला मत लेना, थोड़ा पैसे खर्च करके अच्छा हेलमेट ले लेना, ताकि अगर कुछ भगवान न करे अगर हो एक्सीडेंट वगैरह तो बच जाए आपका सर, क्योंकि सर में अगर चोट लगी तो तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, बाकी अगर कहीं जगह लगी बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस होते हैं निपटने के, सो गाइज मेरी बात मान लेना, ठीक है,
हेलमेट जरूर पहनना।